हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है इंडियन सोल्जर्स से जो कोई सामान लेकर जा रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंडियन आर्मी ने एक ऐसा वेपन बनाया था जिससे इंडिया को प्रोटेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर वही वेपन दुश्मनों के हाथ लग गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए सोल्जर्स उस वेपन को सेफ जगह पर लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला होता है जिसमें काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक मास्क पहने हुए आदमी ने वहाँ पर हमला किया था। अब एक सोल्जर जब उस आदमी से उसकी पहचान पूछता है तो वो आदमी का कहना था कि वो एक प्रलय है, जिसके बाद वो आदमी एक वीडियो बनाता है जिसमें वो दिखा रहा था कि वो वेपन लेकर जा रहा है और अगर इंडियन आर्मी में हिम्मत है तो वो वेपन वापस लेकर दिखाए। जिसके बाद हम निशा नाम की एजेंट को देखते हैं जो अपने एक खबरी से मिलने गई थी। वो खबरी उसे बताता है कि जो प्रलय है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और पूरे इंडिया को काबू करना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जो प्रलय है वो पहले इंडियन आर्मी का दोस्त था, लेकिन अब वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब निशा का खबरी उसे यह सब कुछ बता रहा था तभी उसे कोई शूट कर देता है, जिसके बाद निशा उस आदमी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन उस आदमी ने मास्क पहना था जिसकी वजह से निशा उसे देख नहीं पाती, लेकिन जब निशा उस बंदे पर हमला करती है तो उसे चोट लग जाती है। लेकिन निशा देखती है कि कुछ टाइम में ही उसकी चोट ठीक हो गई थी और ये बात निशा को काफी अजीब लगती है। जिसके बाद निशा आकर इस सब के बारे में आजाद सर को बताती है जो कि इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर थे और वह समझ गए थे कि यह प्रलय काफी खतरनाक है और इसीलिए इसे पकड़ने के लिए कोई खास चाहिए होगा जो इससे भी ज्यादा होशियार हो। इसलिए वो निशा को बताते हैं इसलिए उन्हें इस मिशन के लिए फिरोज और राकेश को बुलाना होगा। फिरोज को सब लोग फ्रेडी के बुलाते हैं तो वही राकेश को रॉकी। वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक थे और उन्होंने आज तक बहुत सारे खतरनाक मिशंस कंप्लीट किए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद आर्मी से उन्हें निकाला गया था। आजाद सर बताते हैं कि किस तरह अफगानिस्तान के कुछ टेररिस्ट ने एक इंडियन फैमिली को हॉस्टेज बनाया था और उस खतरनाक मिशन के लिए रॉकी और फ्रेडी को भेजा गया। दोनों वहां पर गए और उस फैमिली को बचा लिया। साथ ही वहां पर उन्हें एक टेररिस्ट दिखा जो कि काफी खतरनाक था। उन दोनों ने उसे भी मार दिया और उस फैमिली को भी सही सलामत वापस लेकर आ गए। इसलिए आजाद सर को उन दोनों पर पूरा भरोसा था कि वो प्रलय को भी खत्म कर देंगे। इसलिए आजाद सर निशा को भेजते हैं ताकि वो उन दोनों को वापस ला सके। जिसके बाद हम रॉकी को देखते हैं जो आर्मी से निकालने के बाद फायर ब्रिगेड में जॉब करने लगा था और वो उस जॉब से काफी बोर हो चुका था। इसलिए जब निशा वहां पर आती है तो वो इस मिशन के लिए तुरंत मान जाता है, लेकिन रॉकी को पूरा यकीन था कि फ्रेडी इतनी आसानी से नहीं मानेगा। और जैसा कि रॉकी ने कहा था, फ्रेडी इस मिशन के लिए नहीं मानता क्योंकि फ्रेडी का कहना था कि आर्मी ने उन्हें निकाल दिया है, इसलिए अब वो ये जॉब नहीं करेगा। इसलिए फ्रेडी रॉकी से कहता है कि वो अकेला ही इस मिशन को कम्प्लीट करे। एक्चुअली उन दोनों की जोड़ी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ नाम से फेमस थी। जिसके बाद निशा और रॉकी यूके जाते हैं क्योंकि उस वेपन का लोकेशन ट्रैक करने पर वो यूके का एक पॉट होल दिखा रहा था। अब यूके जाने पर निशा रॉकी को पैम नाम की लड़की से मिलवाती है जो कि आईटी स्पेशलिस्ट थी और उसी ने उस वेपन को ट्रैक किया था। साथ ही पैम के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी नॉलेज थी, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज्यादा बोला करती थी, जिसकी वजह से रॉकी उससे परेशान हो गया था। जिसके बाद वो तीनों सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए उस पॉट होल के पास जाने लगते हैं, लेकिन जैसे वो वहां पर जाते हैं उस मास्क वाले आदमी के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद रॉकी उन सब लोगों को पीटने लगता है कि तभी पैम जाकर लॉकर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी उन लोगों को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थे और लगातार हमले कर रहे थे। कि तभी वहां पर फ्रेडी आता है और रॉकी के साथ मिलकर सबको पीटने लगता है। फ्रेडी को देखकर रॉकी काफी खुश था क्योंकि फाइनली फ्रेडी उसकी मदद करने के लिए आ गया था। तभी पैम भी लॉकर ओपन कर लेती है और जैसे ही वो लोग उसके अंदर जाते हैं वेपन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहां पर प्रिया थी। और यहां पर हमें पता चलता है कि वेपन कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। प्रिया बताती है कि उन लोगों ने कर्ण कवच नाम का एक कवच बनाया था ताकि अगर इंडिया पर कोई मिसाइल से हमला करे तो वो मिसाइल कवच से टकरा जाए और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन उस कवच के पासवर्ड को कहाँ रखना है ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तब प्रिया ने एक आइडिया दिया कि उसे ह्यूमन बॉडी में रखा जाए, जिसके बाद उस पासवर्ड को प्रिया के ब्रेन में फीड कर दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है
कि जो मूवी के स्टार्ट में सोल्जर्स वेपन लेकर जा रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि प्रिया को लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर प्रलय आ गया और उसने प्रिया को किडनैप किया। अब ये सब सुनने पर फ्रेडी समझ जाता है कि प्रलय का असली टारगेट कर्ण कवच नहीं बल्कि फ्रेडी और रॉकी है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि प्रिया फ्रेडी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों शादी करने वाले थे लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि उनकी शादी नहीं हो पाई। अब तभी वहां पर उस मास्क वाले बंदे के लोग आते हैं और इन्हें पीटने लगते हैं। तो वही हम प्रलय को देखते हैं जिसने आजाद सर को पकड़ लिया था और वो उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। जिसके बाद प्रलय आजाद सर को लेकर वहां पर आता है जहां पर प्रलय के लोगों ने इन सबको बांध कर रखा था। अब जब ये लोग प्रलय को देखते हैं तो इन्हें याद नहीं आ रहा था कि ये है कौन। जिसके बाद प्रलय अपना मास्क निकालता है और इन्हें पता चलता है कि प्रलय कोई और नहीं बल्कि इनका पुराना दोस्त कबीर है। कबीर इनसे कहता है कि उन सब ने मिलकर उसे धोखा दिया था, इसलिए अब कबीर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो इन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेगा। जिसके बाद हमें कबीर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली कुछ सालों पहले कबीर रॉकी और फ्रेडी का बहुत अच्छा दोस्त था। एक्चुअली रॉकी और कबीर दोनों आर्मी ऑफिसर थे, तो वही कबीर आर्मी को आर्म्स प्रोवाइड किया करता था। ये तीनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। तभी फ्रेडी प्रिया को प्रपोज करता है और प्रिया भी उसे हाँ कहती है, जिसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। अब अगले दिन प्रिया सबको कबीर के नई इन्वेंशन के बारे में बताने लगती है। एक्चुअली कबीर चाहता था कि कभी भी किसी सोल्जर की जान ना जाए, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो सोल्जर्स के क्लोन बनाएगा और इसके लिए उसने फ्रेडी और रॉकी के डीएनए सैंपल्स लिए थे, जिसकी मदद से उसने फ्रेडी और रॉकी का क्लोन बनाया था। कबीर का कहना था कि ये लोग इतने सारे क्लोन्स बनाएंगे कि सोल्जर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्लोन्स सोल्जर्स के दिमाग के साथ कनेक्टेड होंगे, इसलिए सोल्जर जो भी कहेगा वही ये सब क्लोन्स करेंगे। और साथ ही हम इन क्लोन्स को ऐसा बनाएंगे कि ये लोग दुश्मनों को खत्म करके रहेंगे। अब ये सब सुनने पर आजाद सर को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो कबीर को अपने केबिन में बुलाते हैं। वो कबीर से कहते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दे, लेकिन कबीर कहता है कि उसने इस प्रोजेक्ट पर 10 साल मेहनत की है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकता। लेकिन आजाद सर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो पता नहीं कोई भी सोल्जर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देगा और क्लोन्स वो सारी इंस्ट्रक्शंस पूरी कर देंगे। अगर एक सोल्जर भी गद्दार हो गया तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा। साथ ही आजाद सर का कहना था कि सोल्जर्स बस अटैक करने के लिए या वॉर लड़ने के लिए नहीं होते, उनके अंदर देशभक्ति होती है और ह्यूमैनिटी होती है, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन क्लोन्स के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्हें जो भी ऑर्डर मिलेगा वो उसे पूरा कर देंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए आजाद सर उस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहते हैं। अब ये सुनने पर कबीर काफी गुस्सा हो जाता है, तो आजाद सर सबसे पूछते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं, जिसमें सभी लोगों का यही कहना था कि उस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, जिसमें रॉकी और फिरोज भी थे। और ये देखकर कबीर काफी शॉक था कि उसके दोस्तों ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके बाद कबीर काफी गुस्सा हो गया था और वो आजाद सर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन रॉकी और फ्रेडी किसी तरह से उसे रोक लेते हैं और वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब कबीर इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए कबीर डिसाइड करता है कि वो इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को बेच देगा ताकि वो लोग इंडिया के ऊपर हमला करें, ताकि इंडिया को पता चले कि क्लोन्स कितने इम्पोर्टेंट थे, और जब उन्हें पता चलेगा तो कबीर इंडिया पर राज करेगा। अब ये सारी बातें वो प्रिया को बताता है और प्रिया ने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। प्रिया उस वीडियो को आजाद सर को दिखाती है, जिसके बाद आजाद सर फ्रेडी और रॉकी से कहते हैं कि वो जाकर कबीर को पकड़ लें, लेकिन उसे मारे नहीं। लेकिन जब फिरोज और रॉकी कबीर को पकड़ने जाते हैं तो वो कबीर को समझाने लगते हैं कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा था वो काफी ज्यादा गलत था। लेकिन कबीर उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो इंडिया को गालियां देने लगता है और इनके ऊपर हमला करता है, जिससे ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कबीर को खत्म कर देते हैं। और इसी की वजह से इन्हें आर्मी से निकाला गया था, क्योंकि इन्हें ऑर्डर मिला था कि वो कबीर को जिंदा पकड़े, लेकिन इन्होंने कबीर को मार दिया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रॉकी और फ्रेडी काफी शॉक थे कि कबीर जिंदा कैसे है। तो कबीर बताता है कि इन दोनों ने जिसे मारा था वो कबीर नहीं बल्कि कबीर का क्लोन एकलव्य था, और अब कबीर यहाँ पर आया है ताकि वो इन लोगों से अपना बदला ले सके। यहाँ पर कबीर दिखाता है कि उसने रॉकी, फ्रेडी और आजाद सर के क्लोन्स बना लिए थे, और उसका प्लान था कि वो इन तीनों से कहेगा कि ये लोग अलग अलग देशों पर हमला करें, जिससे अलग अलग देशों को यही लगेगा
कि इंडिया ने उनके ऊपर हमला किया और वो लोग इंडिया के साथ वॉर शुरू कर देंगे, जिसके बाद कबीर आजाद सर को गोली मारता है और प्रिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि वो लोग इन लोगों को खत्म कर दे। एक्चुअली कबीर प्रिया को लेकर इसलिए गया था ताकि वो उसके अंदर से कर्ण कवच का पासवर्ड निकाल सके। तो वही हम रॉकी और फ्रेडी को देखते हैं जो किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहां पर पम्मी भी आती है और वो इन तीनों की वहां से निकलने में मदद करती है, जिसके बाद ये तीनों आजाद सर की बॉडी को लेकर वापस आते हैं, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी डिसाइड करते हैं कि इस बार वो कबीर को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये लोग कबीर के प्लान के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि कबीर प्रिया को लेकर वहां गया है जहां से कर्ण कवच को ऑपरेट किया जा सकता था। इसलिए ये तीनों वहां पर जाने के लिए निकलते हैं। तो वही हम प्रिया को देखते हैं जिसके ऊपर कबीर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो उसके अंदर से पासवर्ड निकाल सके। एक्चुअली कबीर चाहता था कि वो उस कवच को हटा दे और इंडिया के ऊपर मिसाइल से हमला करे जिससे इंडिया बर्बाद हो जाए, इसलिए वो उस पासवर्ड को ले लेता है और मिसाइल अटैक्स प्लान करने लगता है कि तभी वहां पर रॉकी और फ्रेडी भी पहुंच जाते हैं और वो कबीर के आदमियों को काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। लेकिन कबीर ने जो क्लोन्स बनाए थे वो अपने आप हील होते थे, जिसकी वजह से उन्हें मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन तब पम्मी उन्हें बताती है कि उन क्लोन्स के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप उन्हें हील करता है, इसलिए उन क्लोन्स को एक ऐसी जगह पर लाना होगा जहाँ पर उन्हें ब्लास्ट किया जा सकता है ताकि वो सॉफ्टवेयर भी खत्म हो जाए और क्लोन्स भी। जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी एक इलेक्ट्रिक यूनिट के पास लेकर आते हैं और वहां पर ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्लोन्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग प्रिया के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर कबीर भी था। वो लोग कबीर को काफी पीटने लगते हैं ताकि कबीर उन्हें मिसाइल रोकने का पासवर्ड बता सके। एक्चुअली कबीर ने प्रिया के अंदर से वो पासवर्ड ले लिया था और कर्ण कवच को हटा दिया था, जिसके बाद कबीर ने मिसाइल्स भी छोड़ दी थी और अगर पासवर्ड डाल के मिसाइल्स को रोका नहीं गया तो मिसाइल्स इंडिया के ऊपर गिरने वाली थी। इसलिए ये लोग पासवर्ड ढूंढने लगते हैं, लेकिन दो बार पासवर्ड डालने पर वो पासवर्ड इनकरेक्ट था। तभी प्रिया को याद आता है कि कबीर हमेशा कहता था कि वो एकलव्य है और कबीर ने अपने पहले क्लोन का नाम भी एकलव्य रखा था, इसलिए प्रिया एकलव्य पासवर्ड डालने के लिए कहती है और वो पासवर्ड करेक्ट था। जिसके बाद पैम कर्ण कवच को एक्टिवेट कर देती है ताकि कर्ण कवच उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी प्रिया को भी बचाकर बाहर लेकर आते हैं और उसे डॉक्टर के पास भेज देते हैं। तो वही निशा और पैम भी उनका इंतजार कर रहे थे और इसी के साथ उनका ये मिशन सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि उन लोगों ने कबीर को खत्म कर दिया था। कि तभी हम कबीर को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।